ठीक स्वागत है। है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक वर्क 7 में। तो आज मैं आपको स्क्वायरिंग का बेसिक पार्ट 2 बताऊंगा। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था 26 से लेके 100 तक का, और आज जो हम डिस्कस करेंगे 100 से लेके 125 तक का स्क्वायरिंग निकालना, यानी कि वर्ग निकालना। तो दोस्तों ये उससे भी आसान है, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे 108 है ना, तो इस 108 में बेस क्या मानना है हम लोग को, 100 मानना है, बेस 100। ठीक है, इस 100 बेस का मतलब है इस 100 से 108 कितना ज़्यादा है। तो जी हाँ दोस्तों, 8 ज़्यादा है, इसलिए 8 का स्क्वायर हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, इस 100 से ये 108 कितना ज़्यादा है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये जो 100 है इससे 108 कितना ज़्यादा है, मतलब 8 ज़्यादा है ना, जैसे 108 100 से कितना ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि 8 ज़्यादा है ना। तो ये जो 8 है, एक्स्ट्रा वाले 8 को 108 में जोड़ देना है। मतलब क्या करना है, जो संख्या दिया रहेगा उसी में उसका एक्स्ट्रा जोड़ देना है। वो जितना एक्स्ट्रा होगा 100 से, 100 से कितना एक्स्ट्रा है 108, तो 8 एक्स्ट्रा है, तो इस 108 में इस 8 को जोड़ देना है। तो ये कितने हो जाएंगे, 116। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा 116 64। इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 102 का स्क्वायर अगर निकालना है तो एक्स्ट्रा कितना है, 100 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 04 लेंगे। दोस्तों हमेशा 2 नंबर को लेना है, ठीक है, कम से कम 2 डिजिट को लेना है। जैसे 4 आए तो 0 बैठा देंगे, अपने मन से 1 आएगा तो 01 ले लेंगे। इसी प्रकार से देखिए 102 जो है 100 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, 2 का स्क्वायर निकाल लिए। अब 102 में कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा, तो 2 इसमें जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 104। 102 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 104। इस प्रकार से 103 का देखिए आप, 103 में कितना ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब 103 में 3 जुटेगा, कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख लीजिए 119 124 किसी का भी निकाल लीजिए। 119 जो है कितना ज़्यादा है, 100 से 19 ज़्यादा है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 361 का 61 लेंगे, 2 डिजिट लेना है, क्योंकि हम लोग को 361 का सिर्फ 2 डिजिट लेना है, तो 61 आ गया और हासिल अपना आ गया हाथ में 3। तो अब देखिए उस 3 को क्या करना है, 119 और 19 कितना हो गया, 119 और 19 कितना हो गया, 138। 138 और 3 141। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप 100 से 125 के बीच का कोई भी आप स्क्वायर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं दोस्तों आपको एक 5 का स्क्वायर निकालने का ट्रिक आपको बता देता हूँ। शायद मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, अगर बताया था तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताया था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 जो अगर अंत में 5 रहेगा तो हम उसका क्या करेंगे, जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो, ठीक है, 5 का वर्ग। जैसे कि आप ले लीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 45 है, तो 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मात्र 3 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इस 5 का स्क्वायर, जब भी हम लोग को 5 दिखे, ऐसा 5 दिखे, 65 75 85, इस प्रकार से ये लोग का अगर स्क्वायर करना है, ये सब का स्क्वायरिंग अगर हम लोग को करना है, तो सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर कितने होते हैं, तो 5 का स्क्वायर आंसर है 25। 25 होता है दोस्तों, आँख मूंद के सब में 25 25 लिख दीजिए, मतलब किसी का भी स्क्वायर निकालिए आप, लास्ट में 25 आएगा ही, 5 जिसका अंत में 5 है, देखिए सबके अंत में क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, मतलब अंत में जब 5 रहेगा तभी ये ट्रिक काम करेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए ये 4 है ना, 4 यहाँ 5 है, तो 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 5 आता है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20 25 हम लोग का 45 का स्क्वायर आ गया। अब 55 का स्क्वायर अब हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये लिख लिए। उसके बाद देखिए ये 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद आता है 6, तो 6 के साथ 5 का गुना कितना हो जाएगा, 6 5 30। इसी हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए, पहले 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, अब 6 के बाद क्या आता है, इस 6 को देखिए, इस 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, 6 7 42, यही अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप 75 का निकाल लीजिए, 5 5 25 का 25 लिख देंगे हम लोग। उसके बाद 7 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 8 आती है, तो इसका मतलब है कि 7 के साथ 8 का गुना कर देंगे, 7 8 56, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ 85 है, 85 का स्क्वायर करना है, तो लास्ट में 5 है तो डायरेक्ट 25 हम लोग लिख दिए। उसके बाद 8, उसके बाद कौन सी संख्या आती है, 8 के बाद 9 आती है, तो 9 8 72,
ये हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों। इस प्रकार से आपने दो चीज़ सीखा इस वीडियो में दोस्तों, और इसको आप प्रैक्टिस करिए घर पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, और देखते रहिए हमारा चैनल टेकमोब 7। मैं हूँ अनंत विजय और आप थे टेकमोब 7 चैनल पर। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।